नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का बीबीए में। तो यहां पर एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कोर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ हायर एजुकेशन। ये टॉपिक आपका पेपर टू टाइटल थ्री के सब टाइटल ए, आपने देखा होगा टाइटल थ्री है हायर एजुकेशन, उसमें सब टाइटल ए है स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ हायर एजुकेशन, उसे कवर करेगा। तो इस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो जो हमारे इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड मतलब ये ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं। तो इस तरीके से फिर ये एजुकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचती है। और सबसे लास्ट की जो चेन है, मतलब यहाँ से जैसे आपने प्राइमरी स्कूल से शुरू किया, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो जो सबसे लास्ट लेवल की जो हमारी लेयर है उसमें यूनिवर्सिटी आते हैं, कॉलेज आते हैं और काउंसिल आती हैं। काउंसिल आपने देखा होगा टॉपिक में, जैसे यूजीसी न्यू दिल्ली है, तो वो टॉपिक में ना यूजीसी के बाद कॉमा लगाकर न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली अलग से कोई काउंसिल नहीं है, वो यूजीसी न्यू दिल्ली है, ठीक है। फिर उसके बाद एक काउंसिल है AICTE। इस तरीके से इंडिया में 15 काउंसिल हैं जो अलग अलग कोर्सेज के लिए मॉनिटर करती हैं। ये सारी MHRD के अंडर में ही मॉनिटर होती हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी जो खुद की डिग्री देती हैं, यूनिवर्सिटी अवॉर्डिंग देयर ओन डिग्री, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो आपको जो डिग्री मिलती है वो उस यूनिवर्सिटी के नाम से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, तो कोई बच्चा अगर किसी कॉलेज से पढ़ रहा है जो कि RDVV के अंदर एफिलिएटेड है, तो उस कॉलेज से उस बच्चे को जो यूनिवर्सिटी जो डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी के नाम पर मिलेगी। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में 5 प्रकार की हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर है स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर ऐसी इंस्टीट्यूशन जिन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, और फिर लास्ट में है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। वो कुछ एक इंस्टीट्यूट ही हैं लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें इसके बाद फिर आता है जो कॉलेज है वो अवॉर्ड करता है डिग्री। कोई भी कॉलेज है वो किसके नाम से अवॉर्ड करेगा डिग्री? यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है। आपको डिग्री किसी कॉलेज के नाम से नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर आते हैं 15 प्रोफेशनल काउंसिल्स। ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि कुछ काउंसिल्स के अंडर में आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ AICTE है, या कोई टेक्निकल, जैसे MP में, अगर MP के पर्सपेक्टिव में बोलें तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ओके, RGPV। RGPV किसे किसे मैनेज करता है? एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज को मैनेज करता है, फिर जो फार्मेसी के कॉलेज हैं उन्हें भी मैनेज करता है। तो जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, ये क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो ये इस काउंसिल, ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी किसी एक काउंसिल के अंडर में आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर AICTE, ये एक काउंसिल है जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी को मॉनिटर करती है। तो AICTE, इस तरीके से 15 प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं। तो ये हम आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में इन्हें देखेंगे। फिर ये सभी की जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये 15 काउंसिल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन्हें रेगुलेट कौन करता है? इसे रेगुलेट करता है UGC, ओके। तो UGC एक्ट जो है वो इन सभी की रेगुलेटरी बॉडी है कि क्या कैसे मॉनिटर करना है, और सारे नॉर्म्स UGC बनाता है। फिर उसके बाद है प्राइवेट प्लेयर्स, जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कॉलेज, जैसे आपने सुना होगा कि यार ये प्राइवेट कॉलेज है, या फिर आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में अमेठी यूनिवर्सिटी है, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये हायर एजुकेशन में कैसे एंटर हो सकते हैं इंडिया में? इसके लिए तीन रास्ते हैं, ये तीन रास्ते से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और मोड हम देख रहे हैं कि किस किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और क्या मोड्स होते हैं। तो सबसे पहला कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो पहला है, पहला तरीका। तो हम पहले तरीके को डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एक प्राइवेट प्लेयर कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने में एंटर हो सकता है। तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन सकती है यदि स्टेट लेजिस्लेचर उसे अनुमति दे दे। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? देखो, लेजिस्लेशन एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका
वो सारे नियम के थ्रू काम करती है जो कि विधायिका बनाती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव। ओके, तो ये जो लेजिस्लेटिव रूट है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है हरियाणा, हरियाणा ने क्या किया, एक अम्ब्रेला एक्ट बना दिया है। जैसे हरियाणा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक सिंगल एक्ट बना दिया है और उसी के थ्रू जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब एंटर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हर एक स्टेट में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि अगर आपको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन करनी है तो उसके लिए अलग से एक एक्ट लाया जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा में क्या है, एक सिंगल एक्ट बना दिया है हमेशा के लिए। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि ये अलग से एक एक्ट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब एक यूनिवर्सिटी खोलनी है तो एक एक्ट, फिर एक और यूनिवर्सिटी खोलनी है तो एक और एक्ट, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो राजस्थान है, जैसे ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो राजस्थान क्या करती है, राजस्थान में एक सिंगल एक्ट भी है और साथ ही साथ ये क्या करती है, अलग से भी एक्ट ला सकती है। तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए तीन तरीकों में पहला तरीका है कि कोई भी राज्य सरकार उसे अनुमति दे दे। फिर उसके बाद है दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में आता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं उन्हें अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू अ यूनिवर्सिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। ये हम देखेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैसे, तो किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, बोल दे कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी एक फील्ड में, तो इसे उस फील्ड की यूनिवर्सिटी बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है यूजीसी की रिकमेंडेशन में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकमेंडेशन में। ऐसे दो तरीके से ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट प्लेयर के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं, ये दो कैटेगरी में बनाई जाती हैं। एक तो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का मतलब है जब कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है तो उसे बना दिया। दूसरा है डी नोवो कैटेगरी। डी नोवो कैटेगरी का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे टेरी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो टेरी है इसने बहुत अच्छा काम किया है थिंक टैंक में और डिजास्टर वगैरह के लिए, तो इसने डिजास्टर के फील्ड में अच्छा काम किया है, तो इसे डी नोवो कैटेगरी के थ्रू यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद फिर हाँ, ये यहाँ पर ये जो जनरल रूट अप्लाई होता है, ये उस इंस्टीट्यूट को जनरल रूट के थ्रू यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है जो कि 15 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बहुत अच्छा एकेडमिक और रिसर्च हो। तो ये 15 साल का डेटा याद रखना। फिर डी नोवो रूट में क्या होता है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट जो किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये उस पर और अच्छी शोध कर सकते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के थ्रू ये डी नोवो रूट के थ्रू किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। फिर उसके बाद जो तीसरा रास्ता आता है, कि तीसरा कौन सा रास्ता है जिससे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बन सकता है, तो अगर किसी प्राइवेट कॉलेज को, अ प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंजॉय लीस्ट फ्रीडम इन टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स, प्राइवेट कह लो, ऐसा प्राइवेट कॉलेज जो कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे एबीसी कोई कॉलेज है, ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो ये क्या कर सकता है, ये भी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे बहुत कम फ्रीडम दी जाएगी कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स को चला सके। बहुत कम फ्रीडम का क्या मतलब है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स की ज़्यादा जिम्मेदारी होगी वो तो उस यूनिवर्सिटी की होगी, लेकिन किसी खास प्रावधान की वजह से इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एक ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये इतना बड़ा राज्य है, ये यहाँ पर ये एक एरिया है जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी से अछूता रह जाता है, तो यहाँ पर 10 कॉलेज हैं, तो इसमें जो एक सबसे बढ़िया कॉलेज है उसे एक यूनिवर्सिटी दे दी ताकि वो यहाँ पर इन सबको कंट्रोल कर सके। तो बहुत छोटा सा पार्ट इस एक एक कॉलेज के हाथ में होगा जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। ज़्यादातर जो उसका प्रॉफिट, ज़्यादातर जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो उसकी मेन यूनिवर्सिटी ही देखेगी। तो ये तीन बातें समझ आ गई कि किन किन तीन तरीके से कोई एक प्राइवेट कॉलेज या कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी बन सकती है। फिर उसके बाद
अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ का मतलब है जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, और फिर होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब समझो क्या है, रेगुलेटरी जो है रेगुलेट से निकला है। रेगुलेट का मतलब है जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे कि आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो। तो ये बताओ, ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये हाल ही में, देखो अभी ना आगे आने वाले करंट में ये सारी चीज़ें कवर करूँगा कि हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदल कर एक नई काउंसिल लाने की बात हो रही है, और जहाँ तक वो बिल शायद पास भी हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं MCI। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर फोकस रहता है। ये क्या करेगा, टेक्निकल एजुकेशन AICT जो भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर फोकस रहेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैनेज करता है जो भी हमारे यहाँ के लॉ कॉलेज हैं। याद रखना बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कई लोगों ने मुझसे ये डाउट पूछा था, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करता है सिलेबस कि लॉ यूनिवर्सिटी जो LLM हैं या LLB के कॉलेजेस हैं तो क्या कोर्स चलाएंगे, क्या वहाँ पर सिलेबस होगा। तो ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम। फिर उसके बाद है देयर आर टू एक्रीडिटिंग इंस्टीट्यूट। एक्रीडिटिंग इंस्टीट्यूट का मतलब है जो कि आपने पढ़ा होगा एक्रीटेडेड, ओके, तो ये किस इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड हैं, इसे अप्रूव्ड के थ्रू समझ लो। तो दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो कि अप्रूवल देते हैं। उसमें से पहला इंस्टीट्यूट है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन इस्टेब्लिश्ड बाय AICTE। AICTE के द्वारा एक जो नेशनल बोर्ड बनाया गया, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है AICTE, और दूसरा है UGC के द्वारा जो एक अप्रूवल बोर्ड बनाया गया है, ये है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जिसे हम कहते हैं NAC। तो कहते हैं ना यार NAC की टीम आने वाली है, तो ये NAC की टीम क्या है, ये NAC की टीम UGC के द्वारा भेजी गई टीम है जो कि इंस्पेक्शन करती है। तो अप्रूवल कौन कौन देता है, अप्रूवल दो बॉडीज़ देती हैं, याद रखना NBA और NAC। फिर उसके बाद UGC का रेगुलेशन है 2012 का, इसने बोला है कि सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को किसी ना किसी एजेंसी से, मतलब ये और ये, किसी ना किसी एजेंसी से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। 2012 में ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, बिना अप्रूवल के आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन ये यूनिवर्सिटी रन नहीं कर सकते। तो ये एक बार ये डायग्राम देख लो, तो ये जैसे ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये UGC है, UGC सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, और ये यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है। तो देखो यूनिवर्सिटी में UGC आ गया, UGC एक बॉडी है जो कि काम करती है, और यहाँ पर सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो हम लेजिस्लेशन लाते हैं। फिर जो कॉलेज है, कॉलेज किसी ना किसी अप्रूवल के थ्रू रेगुलेट होगा, और वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा, ठीक है। तो कॉलेज का अप्रूवल, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट अलोशियस कॉलेज है, उसे NAC के थ्रू अप्रूवल मिला है, NAC के थ्रू अप्रूवल मिला है, और वो किस यूनिवर्सिटी से रेगुलेट होता है, वो RDVV रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से रेगुलेट होता है। फिर उसके बाद आते हैं कोर्सेज, तो कोर्सेज में रेगुलेटरी कोर्सेज स्टेटूटरी बॉडी सच एज, आप कोर्स कौन सा चलाओगे, जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो इंजीनियरिंग कोर्स चला रहा है, तो इसका अप्रूवल कौन देगा, इसका अप्रूवल SID देगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर UGC सेंटर और स्टेट लॉ के द्वारा खोली जा सकती है, कॉलेज दो चीज़ों से अप्रूवल लेता है, और जो कोर्स है कोर्स का अप्रूवल कौन देता है, स्पेशलाइज्ड बॉडी, ये काउंसिल जो है। नाउ इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, दो फैक्ट हैं। एक तो पहला कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखें, स्टूडेंट कितने एनरोल्ड होते हैं, तो ये सेकेंड हाईएस्ट है चाइना के बाद। इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है, और स्टूडेंट के एनरोलमेंट के मामले में ये नंबर 2 है। तो नंबर 2 क्यों है, देखो
वहाँ पर कम्युनिस्ट हैं, अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो कई लोग हायर एजुकेशन में आते आते तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहते हैं ना 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दो टाइप के इंस्टीट्यूट इंडिया में होते हैं। पहले इंस्टीट्यूट है जो कि डिग्री देते हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिग्री ग्रांट नहीं करते। नाउ ये देखो, ये यूनिवर्सिटी में हमने देख लिया 5 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन हैव आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट मैनेजमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हम आगे देखेंगे। फिर ज्यूरिडिक्शन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी स्पैन और वर्ल्ड वाइड। देखो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, उनका ज्यूरिडिक्शन सेंट्रल लेवल पूरे इंडिया में होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसका ज्यूरिडिक्शन, वो स्टेट लेवल तक होगा, लेकिन जो सेंट्रल जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो पूरे इंडिया को कवर करता है ज्यूरिडिक्शन, या फिर वर्ल्ड वाइड वो कवर कर सकता है। मतलब वो फॉरेन में भी, इसका सीधा सा मतलब है वो फॉरेन में भी अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। फिर बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैन सेटअप एट स्टेट लेवल ओनली। क्या सेंट्रल लेवल की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन सकती है? नहीं। अभी हम आगे देखेंगे कि कभी ऐसा प्रयास हुआ है कि नहीं। फिर ज्यूरिडिक्शन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब स्टेट लेवल पर बन सकती है तो सिर्फ स्टेट वाइड ही होगा। फिर उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैन नॉट एफिलिएट कॉलेज। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को एफिलिएशन दे सकती है? नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती। जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी है, ये किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती। ये अपने कॉलेज खोल सकती है, कोर्सेज खोल सकती है, लेकिन ये किसी दूसरे कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती है, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर कॉलेज पर आते हैं, कॉलेज को या तो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में एफिलिएशन प्राप्त करना जरूरी है। तो प्राइवेट कॉलेज नॉर्मली क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन प्राप्त करते हैं। वो सेंटर के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके रूल्स नॉर्म्स बहुत हाई होते हैं, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी बहुत कंसीडर कर लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेतागिरी चल जाती है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्स कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स चलाएगा, तो ये किससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जो हमारे 15 स्पेशल जो काउंसिल्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कोर्सेज को, वो परमिशन देते हैं। फिर ये देखो यूनिवर्सिटीज़ कितने प्रकार की हैं, सेंटर, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जल्दी से इन यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू स्थापित की जाती है, और इसे यूनियन गवर्नमेंट से फंड मिलता है। कुछ एक पुरानी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू गठित नहीं की गई हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, तो ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसे इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाकर कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश कर दी थी। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू 2009 में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ एक साथ इस्टेब्लिश की गई थी। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पर। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटी होती हैं जिनका एक्ट स्टेट गवर्नमेंट लेकर आती है, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ये पास किया जाता है ये एक्ट, और फिर ये यूनिवर्सिटी बनती हैं। इन्हें फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, और कुछ बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है, लेकिन ये फंड यूजीसी के थ्रू आता है। फिर उसके बाद आती है डीम टू बी ए यूनिवर्सिटी। तो यूजीसी क्या करती है, कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देती है। तो ये जो स्टेटस है, ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अप्लीकेशन भेजते हैं यूनिवर्सिटी के पास, यूजीसी के पास, और फिर यूजीसी कमेटी इस अप्लीकेशन को फॉरवर्ड करती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि किस इंस्टीट्यूट को डीम टू यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए। दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये
ये वाली जो यूनिवर्सिटी है, और सिम्बायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये गवर्नमेंटल थी, लेकिन बाद में इसे डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। फिर उसके बाद ये एक पब्लिक, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये जो था ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था जिसे बाद में डीम्ड टू बी आई यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये पहले सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल था जिसे बाद में जाकर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन ये पहले क्या था, पहले ये सिम्बायोसिस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था जिसे बाद में डीम्ड टू बी आई यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कोई डीम टू बी यूनिवर्सिटी या सिर्फ प्राइवेट को, तो नहीं, दोनों दोनों प्लेयर्स डीम टू बी आई यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। डीम टू बी आई यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है ये बहुत ज़्यादा एटोनॉमी दे देता है। जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेट कर सकती हैं, ये ऑपरेट कर सकती हैं सिलेबस को, एडमिशन को, फीस को, और ये सारा ये जो मैनेजमेंट है ये इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फंडिंग फ्रॉम यूजीसी, इन्हें यूजीसी से फंडिंग भी मिलती है। जैसे आप सिम्बायोसिस का देखते हो, सिम्बायोसिस का अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये मैनेजमेंट जो ये बिजनेस की पढ़ाई है इसके लिए अलग से टेस्ट होता है, तो कौन डिसाइड करता है, ये वहाँ का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। फिर डीम टू यूनिवर्सिटी ये यूजीसी से फंड भी मिलता है। फिर ज्यूरिडिक्शन जो है इसका, ज्यूरिडिक्शन डीम टू बी यूनिवर्सिटी का पहले भी बताया था, यह तो पूरा पूरे इंडिया या इंडिया के बाहर, तो ऐसा ही एक है जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये बिट्स पिलानी के ऑफशोर कैंपस भी हैं, जैसे इनका एक कैंपस दुबई में भी है। तो देखो वर्ल्ड वाइड ज्यूरिडिक्शन हो गया। फिर उसके बाद आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। अनटिल नाउ अभी तक कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश नहीं की गई है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत एम्फेसाइज कर कर, कि अभी तक कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जा सकती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रिकग्निशन कौन देता है, इसे देता है यूजीसी। ओके, तो यूजीसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कौन सी पावर नहीं होती, वो कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकते हैं जो कि दूसरे ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्राइवेट ये एक्चुअल सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती, पर हुआ क्या था कि द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया था 95 में पार्लियामेंट में। तो ये क्या कर रहा था कि रेगुलेट कर रहा था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कर सकती है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ और ये कहा गया कि जो स्टेट लिस्ट है, किस शेड्यूल में दी गई है लिस्ट, 7th शेड्यूल में दी गई है, ठीक है। तो एक सेंट्रल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, और एक स्टेट लिस्ट होती है। ये सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये इसमें जो 32nd एंट्री है ये कहती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने की पावर है ये स्टेट के पास है, ये स्टेट लिस्ट के एंट्री 32 में है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो सेकेंड पेपर है ये कुछ ज़्यादा सब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली द बिल वॉज विड्रॉन, और इस वजह से ये सारे अपोजिशन के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2007 में इस बिल को वापस ले लिया। फिर आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देखो ये एक इंस्टीट्यूट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एम्स है, तो एम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ऐसे डॉक्टर्स तैयार करता है जो कि इंडिया के मेडिकल फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को भी द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस आर द इंस्टीट्यूट अकॉर्ड पावर टू ग्रांट डिग्री बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्री। अब अगर हम देखें कि एक कोई प्राइवेट कॉलेज है, क्या वो अपने नाम की डिग्री दे सकता है, नहीं, वो नहीं दे सकता है, वो यूनिवर्सिटी के नाम की डिग्री देगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इम्पॉर्टेंस के, वो अपने नाम की डिग्री दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस रखते हैं जैसे अपने यहाँ स्वास्थ्य के फील्ड में, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रखते हैं जैसे IIM वगैरह हैं, ठीक है। तो
इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे IIT है, एम्स है या NIT है, ये अपने नाम की डिग्री दे सकते हैं। दीज इंस्टीट्यूट हैव इस्टेब्लिश एट बूथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। ऐसे इंस्टीट्यूट सेंट्रल लेवल पर भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और स्टेट लेवल पर भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कि दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो कि प्राइवेट मैनेजमेंट में आ सकती हैं, एक तो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ होती कितने प्रकार की हैं, पांच प्रकार की, सेंटर, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इम्पोर्टेंस। तो सिर्फ दो प्रकार की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट हाथों में जा सकती हैं, एक तो डीम्ड और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये आ सकता है, डीम्ड आपसे पूछ सकता है वो। फिर उसके बाद आते हैं कॉलेज पर। तो कॉलेज के बारे में कुछ एक बातें जान लीजिए, जो कॉलेज है वो एफिलिएट हो सकते हैं या तो सेंटर से या स्टेट यूनिवर्सिटी से। नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी से होना पसंद करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट उनका सॉफ्ट हो जाता है और बहुत हाई लेवल के बेंचमार्क्स भी उन्हें फॉलो नहीं करने पड़ते। लेकिन ये कॉलेज जो है, कोई भी कॉलेज है, ये कॉलेज फॉलो करता है एंट्री ऑपरेशन और एग्ज़िट, मतलब एडमिशन किस तरीके से ऑपरेट करना है और बच्चे जब पास हों, ये तीनों रिक्वायरमेंट ये कौन डिफाइन करता है, ये यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है। एडिशनली दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, हाँ साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस को ये जो 15 प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं ना, इनसे भी अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो AICTE है, ठीक है, ये डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है और रिकमेंड कर सकती है, मतलब ये बता सकती है कि अब आपको ये करना है, आपको ये करना है, और ये रिकमेंडेशन दे सकती है किन कोर्सेज़ में, MBA और MCA के कोर्स में। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उन्होंने MBA और MCA के कोर्स भी स्टार्ट कर दिए थे। तो ये क्या था, AICTE बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रही थी। तो फिर एक कोर्ट केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि AICTE सिर्फ रिकमेंड दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है MBA और MCA के कोर्सेज में, ठीक है, जो कि कॉलेज चला रहे हैं, लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं कर सकती है। अगर यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी ने एक रूल बनाया, तो उस रूल के ऊपर जाकर AICTE अपनी दखलंदाजी नहीं देगी। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज वर्सेज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये केस हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ऑटोनोमस कॉलेज में। ऑटोनोमस कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जो कि अपना करिकुलम, एग्जामिनेशन और एडमिशन खुद से डिसाइड कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस खुद का क्या रखना है, एग्ज़ाम कब करवाने हैं और क्या उनका सिलेबस होगा, ये वो ऑटोनोमस कॉलेज डिसाइड करते हैं। लेकिन उन कॉलेज के पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपने नाम की डिग्री दे सकें, ठीक है। जैसे सेंट अलोशियस कॉलेज, वो एक ऑटोनोमस कॉलेज है, लेकिन वो अपने नाम की डिग्री नहीं दे सकता है, वो RDVV की डिग्री ही देगा। दे आर ऑल्सो एफिलिएटेड टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विच ग्रांट डिग्री। हाँ, उन्हें किसी ना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़ना पड़ेगा जो कि अपने नाम की, जो कि उसके नाम की डिग्री देंगे। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल नहीं जुड़ सकते, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूशन को अपने से एफिलिएशन नहीं दे सकती है, तो उन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़ना पड़ेगा। यूजुअली कॉलेज ऑफ रेपुटेड, जो अच्छे कॉलेज होते हैं, उन्हें ऑटोनॉमी दे दी जाती है, ये बोल रहा है। मोस्ट ऑफ द ओल्डर एंड एस्टेब्लिश कॉलेज आर ऑटोनॉमस, कई पुराने और एस्टेब्लिश कॉलेज जो हैं वो ऑटोनॉमस, उन्हें ऑटोनॉमी दे दी जाती है। उनका जो फाइनेंस है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से आ सकता है या अलग अलग किसी एक से आ सकता है। इसका एग्जाम्पल है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, MITS, इसे ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसे फाइनेंस करती है। फिर है ये गवर्नमेंट ऑफ श्री गोविंद राम सिकसरिया, इसे GSITS बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली GSITS, ये इंदौर में है, इसे भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करती है, फंड देती है। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब MP में शायद इंजीनियरिंग के टॉप लेवल का कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज यही है, ठीक है। फिर उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो, प्राइवेट हिस्ट्रीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ये थोड़ा सा अभी नया फिनोमेना है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सेटअप हुई थी वो दो दशक पहले 1995 में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस एंड बिगेन ऑपरेशन बाय 1997। तो देखो,
ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, क्या इसके अंदर दूसरे कॉलेज आ सकते थे? नहीं भाई, दूसरे कॉलेज वो दे नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये अपने कॉलेज खोल सकती थी, अपने नाम की डिग्री दे सकती थी, ठीक है। तो इसने काम करना कब शुरू से किया? 1997 से। बिफोर 1997 ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वर टू बी डीम्ड टाइप। 1997 के पहले जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी वो डीम्ड टाइप की यूनिवर्सिटीज़ थी। हमने एक टाइप पढ़ा है, डीम्ड टाइप यूनिवर्सिटीज़। किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है? ये क्या करते हैं, अपनी अप्लीकेशन वगैरह देते हैं, फिर एक बिल प्रस्तुत होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य सरकार में, सॉरी विधानसभा, हाँ विधानसभा में ये बिल प्रस्तुत होता है, ये पास होता है, फिर गवर्नर की एसेंट मिलती है, और फिर उसके जो भी कंडीशन है वो फुलफ़िल करती है, और वो फुलफ़िलिंग के बाद ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो सकता है और एनरोलमेंट स्टार्ट हो सकता है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एज नो प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएशन के थ्रू कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है क्या? नहीं खुली है। ओके, तो इतनी बार बता रहा हूँ, इसमें गलती मत करना यार प्लीज़। स्टेट लेवल पर हम देखें तो स्टेट लेवल में फिर वही आ जाता है, जो एंट्री नंबर 32 है, ये स्टेट लेजिस्लेचर को बोलता है कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉ बना सकते हैं जिसके थ्रू वो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए। हाउ एवर, लेकिन यहीं पर कुछ एक स्टेट्स हैं जो कि जहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी भी ना यहाँ पर कोई अम्ब्रेला एक्ट नहीं है, कोई ऐसा एक लॉ नहीं है, तो हर एक यूनिवर्सिटी के वो अलग अलग लॉ लेकर आते हैं। यूजीसी, यूजीसी क्या करता है, यूजीसी ने 2003 में इसका ये है, तो इन्होंने बोला था कि रिक्वायर आ यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप ओनली थ्रू अ सेपरेट एक्ट। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसके लिए आपको अलग से एक एक्ट लाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बना सकते। देखो एक्ट में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या होता है, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाया गया है, मतलब सरकार को काम करना था वो ले आए, उसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया, एक्ट लाकर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। तो यूजीसी ने 2003 में बोला था कि किसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक्ट लाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया और यूनिवर्सिटी बन गई। फिर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ क्या कर रही थी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती जा रही थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो छत्तीसगढ़ ने इसका अपोज़ किया, बोला कि हमें यूजीसी से फंड नहीं मिलता है। तो ये कोर्ट केस हुआ, और ये कोर्ट केस गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको यूजीसी से ग्रांट मिले या ना मिले, लेकिन आप आएंगे यूजीसी के अंडर में ही। तो उस समय से ये क्लियर हो गया कि जो भी यूजीसी के रेगुलेशंस हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी में बाइंडिंग होंगे, चाहे उन्हें फंड मिले या ना मिले। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट नेचर होता है, ये सेक्शन 25 कंपनी के तहत, अगर जैसे किसी को स्पॉन्सर करना है, किसी को कॉलेज खोलना है, तो वो कोई कंपनी ऐसी नहीं बनाएगा जो कि प्रॉफिट के लिए हो, ये सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी सेक्शन 25 में आती हो। इसमें आप प्रॉफिट कमाने के लिए ये नहीं करते हो। तो देखो, एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो कहने के लिए तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए ही मोस्टली लोग खोलते हैं। फिर अगर डिसॉल्व करना हो, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बंद करना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 6 महीने से 1 साल के पहले, मतलब बंद करना है आपको 6 महीने, तो 6 महीने से 1 साल के पहले के बीच में आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, और आपको वेट करना होगा जब तक आपके बच्चों का लास्ट बैच अपना कोर्स कंप्लीट कर कर निकल नहीं जाता। तो खैर क्यों बंद करेंगे, आजकल पैसा बहुत है भाई। तो डीम्ड टू बी आई यूनिवर्सिटी, हाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि बहुत एक स्पेशल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जैसे पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहली दो डीम्ड यूनिवर्सिटी 1958 में, ये वाला पॉइंट देखो, जो IISc बेंगलोर है, ठीक है, तो बेंगलोर में, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, तो ये दोनों को, तो ये दोनों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं 1958 में जिन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा सबसे पहले किन इंस्टीट्यूट्स को मिला, तो सबसे पहले किन इंस्टीट्यूट को मिला, एक तो बेंगलोर वाली IISc बेंगलोर को, और है IAR, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली को, ठीक
ठीक है, तो इसे किस फील्ड में मिला? ये जो बेंगलोर वाली इंस्टीट्यूट है उसे मिला साइंस एंड टेक, साइंस और एडवांस लेवल फील्ड के रिसर्च में, और ये एग्रीकल्चर वाले को एग्रीकल्चर के फील्ड में। फिर उसके बाद अर्ली, हाँ पहले जो ये स्टेटस था ये अर्ली द स्टेटस वॉज ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ही दिया जाता था, जो बेंगलोर वाली यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर वाला इंस्टीट्यूट है, और जो दिल्ली वाला एग्रीकल्चर वाला इंस्टीट्यूट है, वो दोनों गवर्नमेंट थे। तो पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, लेकिन पहली फर्स्ट प्राइवेट मैनेज सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट थी जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, वो थी मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। इसे 1976 में पहली डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, पहली प्राइवेट। ठीक है, ये बात याद रखना, क्वेश्चन आए तो देख लेना वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहे कि प्राइवेट। अगर प्राइवेट पूछ रहा है तो माहे है, और गवर्नमेंट पूछ रहा है तो बेंगलोर और दिल्ली वाली है। फिर उसके बाद एनर्जी एंड रिसोर्स, हाँ टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसे भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, ये डी नोवो कैटेगरी में मिला है। डी नोवो कैटेगरी मतलब किसी एक स्पेशल कैटेगरी में। लेकिन सिम्बायोसिस को जो दर्जा मिला है वो जनरल कैटेगरी में मिला है, मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हो वही जनरल कैटेगरी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो पहले ज्यूरिडिक्शन देख लेते हैं। जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो ज्यूरिडिक्शन है वो स्टेट पर आता है, वो स्टेट जिस स्टेट के थ्रू है वहाँ पर। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी के डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन में आती है। इन पर डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन किसका रहता है? यूजीसी का। यूजीसी चाहे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में फेरबदल कर सकती है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनता है जनरल कैटेगरी में, उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? 15 साल और हाई क्वालिटी। ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है। डी नोवो इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें तो ये इमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज, जैसे टेरी है तो टेरी डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो टेरी क्या कर सकता है? देखो जैसे वहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। किस किस कैटेगरी में? नोवो, डी नोवो कैटेगरी में। लेकिन क्या वो सिंपल एमसीए का कोर्स खोल सकते हैं? नहीं, वो नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डी नोवो कैटेगरी के अंदर यूनिवर्सिटी बने हैं। तो एंटायर लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दी गई है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये, हाँ ये वही पॉइंट है कि जो टेरी है वो अलाउ अ ऑफर ऑफ कोर्स सच एज एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन एमबीए इन रिटेल, एमबीए रिटेल में वो अलाउ नहीं कर सकता ये कोर्स। हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकता है, ओके, क्योंकि वो डी नोवो कैटेगरी के अंदर खुला है। फिर यूजीसी क्या करती है? यूजीसी वर्किंग एश्योर करती है कि क्या रिपोर्ट वगैरह। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप हो सकती है एक सेपरेट एक्ट के थ्रू, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है, और इसे अमेंड किया जा सकता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट लाया जा सकता है। जैसे हरियाणा, हरियाणा ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड कर कर एक नया न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप हरियाणा में बनाया है। हाउएवर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है यूजीसी के एडवाइस में। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट यूजीसी की रिकमेंडेशन में। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूट दैट आर ग्रांटेड द डीम्ड स्टेटस आर नॉट अलाउड टू यूज टर्म यूनिवर्सिटी इन देयर नेम, जैसे टेरी है। तो टेरी अपने नाम के लास्ट में यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकती है, हालांकि यूनिवर्सिटी है पर ये यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकती है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी आर नॉट अलाउड टू ऑफर, हाँ ये डिस्टेंस मोड के कोर्सेज नहीं दे सकती है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में एक दो बातें। मध्य प्रदेश में क्या है, ये हम आगे विस्तार से भी देख लेंगे, पर ये कुछ एक चीज़ें। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्हें यूजीसी से दर्जा लेना पड़ेगा, पहली बात। फिर उसके बाद
कुछ वो जो स्पेशल काउंसिल है, यहाँ पर मैं वो टर्म इंक्लूड करना भूल गया, तो जो स्पेशल काउंसिल है उनसे दर्जा लेना पड़ेगा। और 1973 मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, इसके अंडर में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अपार्ट फ्रॉम अ फॉर्मेशन रेगुलेटरी स्ट्रक्चर द मध्य प्रदेश। हाँ, तो ये तीनों एक्ट क्लियर हो गए, UGC और 1973 और एक वो स्पेशल काउंसिल। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन की भी स्थापना की गई है। ये जो कमीशन है, ये कमीशन 2007 में एक एक्ट के थ्रू स्थापित हुआ। तो जो मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किसके, उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया है जो उसे रेगुलेट करेगा। कब का कमीशन है ये एक्ट 2007 में लाया गया था और ये कमीशन बनाया गया था। फिर फॉर अ प्राइवेट एंटिटी टू रन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद इन द स्टेट, दे आर द टू सेपरेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हाँ, अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को स्टेट में हायर एजुकेशन के फील्ड में अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, तो उसके लिए दो सेपरेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं। ये रेगुलेशन दो अलग सेपरेट होते हैं। सबसे पहला कि इस्टेब्लिश अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाई स्टेट गवर्नमेंट अंडर मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2007, मध्य एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के अंडर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश होना होगा और इसे अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, जैसे कि RGPV है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वो AICTE से अप्रूवल लेगा, ठीक है, और दूसरा अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट, ये इसके यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के तहत आएगा। तो पहला तो ये हो गया मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है इस्टेब्लिश अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विद एफिलिएशन फ्रॉम वन ऑफ द एफिलिएटिंग स्टेट यूनिवर्सिटी, वन गेन द अप्रूवल ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनियन एजेंसी इज मैंडेटरी। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिशमेंट करना है अपना इंस्टीट्यूशन, तो उसे एक बार फिर यूनियन एजेंसी से ये अप्रूवल मैंडेटरी हो जाता है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसे एफिलिएशन यूनियन गवर्नमेंट की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उससे लेना जरूरी हो जाता है। ये यहाँ पर नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो कोई भी लॉ लाकर ये एफिलिएशन को चेंज कर सकती है। एफिलिएशन को चेंज करने का मतलब देखो, जैसे एक कॉलेज है ये यहाँ पर, ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहा है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी है तो इसके अंडर में बाकी सारे कॉलेज आ रहे हैं, लेकिन ये इसके अंडर में है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ये मना कर सकती है कि अब इसके अंडर में नहीं आएगा, ये अब किसके अंडर में आएगा, इसके अंडर में आएगा। ओके, फिर राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो ये राजीव गांधी टेक्निकल RGPV, ये 1998 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी। इस्टेब्लिश अ कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे इंजीनियरिंग और फार्मेसी वाले, ये RGPV के अंडर में आते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ हायर एजुकेशन की क्लास। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सारा जो PDF है ये आपको इस वाली फेसबुक के लिंक पर जाकर मिल जाएगा। आप इस फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको नोट्स के सारे PDF मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है UGC का, AICTE का और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।